हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी है, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा और नोटबुक भी ओपन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोटबुक में आप सभी को होमवर्क दिया गया था और इस बात को मैं फिर से रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए, बुक परचेस करवाइए और क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये दोनों बातें सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर हाल में इन दोनों बातों को फॉलो कीजिए। प्रीवियस क्लास में आप सभी बच्चों को होमवर्क दिया गया था, वो होमवर्क था 5 uses ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 5 use आपको बताना था कि हम कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, और 5 places बताना था जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। तो चलिए मैं 1 by 1 लिखूँगी, ठीक है ना। जो बच्चे, मतलब सभी बच्चे अपने नोटबुक से क्या करेंगे, बोर्ड से उस सेंटेंस को मैच करेंगे, ठीक है, और देख लेंगे कि कौन, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 5 uses ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का 5 इस्तेमाल बताना था, तो क्या क्या है मैं लिखती हूँ और आप सभी बच्चे क्या करेंगे उसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट 5 uses ऑफ अ कंप्यूटर। राइट FIDE 5 USES यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर का बहुत सारा यूज लिखवाऊंगी, आप सभी मैच करेंगे कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। एनी 5 ही आपको नोट करना था। तो चलिए, पहला जो है वो है टू सॉल्व सम, टू SOLVE सॉल्व SUME सम्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टू प्ले गेम्स, PLAY प्ले GAMES गेम्स। थर्ड टू STORE स्टोर इंफॉर्मेशन, INFORMATIONS इंफॉर्मेशन। उसके बाद है 4 टू टाइप LETTERS लेटर्स, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 टू WATCH वॉच मूवीज MOVIES मूवीज एंड कार्टून्स CARTOONS कार्टून्स, ठीक है। मैं पहले लिख देती हूँ उसके बाद 1 by 1 उसका मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है। 6 टू स्टडी, टू STUDY स्टडी। और भी है, मैं लिखवा दूंगी, लेकिन ये 6 है, टोटल 6 है, और नेक्स्ट और भी लिखवाऊंगी। आप सभी को मैच करना है अपनी नोटबुक से कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। आपने इनमें से जो जो लिखा है वो सही होगा, ठीक है ना, लेकिन कोई 5 ही आपको, कोई 5 ही क्या लिखना था, यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। और मैं इसमें लिखवा देती हूँ, जो भी है 10 है तो 10 मैं लिखवाऊंगी, लेकिन आपको एनी 5 ही लिखना था। तो टू सॉल्व सम्स, हम सम्स मतलब जैसे मल्टीप्लाई है ना, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ होता है मैथ का, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, टू सॉल्व सम्स, हम कंप्यूटर का यूज़ सम्स के लिए भी करते हैं ना, सॉल्व सम्स, कोई भी किसी भी तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद है टू प्ले गेम्स, हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल
यूज़ जो है वो गेम खेलने के लिए भी करते हैं। टू स्टोर इन्फॉर्मेशंस, हम लोग किसी भी तरह की जानकारी को वहाँ पे क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है ना, जमा करते हैं। किसी भी तरह की जानकारी हो उसको हम लोग जमा करते हैं। टू टाइप लेटर्स, हम लोग उस पर मतलब कंप्यूटर पे हम लोग चिट्ठी भी खत भी लिख सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह उसको सेंड करते हैं। उसके बाद है टू वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ मूवी देखने के लिए, फिल्म वगैरह देखने के लिए और कार्टून देखने के लिए भी करते हैं। उसके बाद है टू स्टडी, पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये 5-6 हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 4 और है, वो भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। टू सॉल्व सम्स, ठीक है, टू प्ले गेम्स, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, टू टाइप लेटर्स, टू वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स, टू स्टडी। इसमें से आपको एनी 5 ही लिखना है। अब नेक्स्ट है 7, वो नेक्स्ट है नंबर 7, टू DRAW ड्रॉ PICTURE पिक्चर, सॉरी टू ड्रॉ एंड COLOUR कलर पिक्चर्स, PICTURES पिक्चर्स। इसके बाद है 8, टू LISTEN लिसन टू म्यूजिक, MUSIC म्यूजिक। उसके बाद है 2, बुक PICKETS टिकट्स ऑनलाइन, एंड 10, टू SEND सेन एंड रिसीव MESSAGES मैसेजेस, ठीक है ना। तो टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, हम लोग किसी भी तरह के चित्र को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं और उसको रंगते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर पे इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब इस तरह से भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर पिक्चर्स बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं और उनको कलर करने मतलब उनको रंग भरने का भी काम किया जा सकता है। उसके बाद है टू लिसन टू म्यूज़िक, हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल गाना सुनने के लिए भी करते हैं। टू बुक टिकट्स ऑनलाइन, और ऑनलाइन टिकट बुक करने का भी हम लोग मतलब टिकट बुक करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, हम लोग मैसेज एक दूसरे को मतलब खैर खबर की जो मैसेज होती है, ठीक है ना, तो हम एक दूसरे को सेंड करते हैं और हमारे पास वो मैसेज आता भी है। जैसे मोबाइल का यूज़ होता है ना, मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह जो होता है वो क्या होता है, हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, है ना, हमारे पास मैसेज आता है और हम दूसरों को मैसेज करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर पे भी हम मैसेज कर सकते हैं या हमारे पास मैसेज आ सकता है। उसी तरह हम लोग कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी होती है कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है ना। तो ये 10 यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर था। कंप्यूटर का हम लोग किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये 10 था। आप सभी 1 by 1 आपने जो भी लिखा है वो बोर्ड से मैच कर लेंगे कि आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका क्या था, वेयर यानी कि 5 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, 5 ऐसे जगहों का नाम लिखना था जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए मैं प्लेसेस का नाम लिखूँगी और आप सभी मैच करेंगे कि आपने कौन कौन प्लेसेस का नेम लिखा है, ठीक है ना। मैं उसी तरह से 10 मतलब लगभग 10 प्लेसेस का नाम बताऊँगी, बोर्ड पे लिख दूँगी, आप मैच कर लेंगे कि आपने कौन कौन से प्लेसेस का नाम लिखा है, आप स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। Write 5 PLACES places where WERE where computer COMPUTER
UTER कंप्यूटर्स आर USED। ठीक है ना, पांच ऐसे जगहों का नाम लिखना है जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला एट होम, एट HOME होम। सबसे पहले तो हम घर पे कंप्यूटर रखते हैं, घर पे भी हम पढ़ाई करते हैं, उस पर गेम खेलते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं और स्टडी के लिए भी। ठीक है ना, तो एट होम हो गया। उसके बाद हो जाएगा शॉप्स इन SHOPS शॉप्स, है ना। उसके बाद इन MALLS मॉल्स, ठीक है ना। मॉल्स में भी बड़े बड़े जैसे मॉल्स होते हैं ना, समस्तीपुर में आप गए होंगे तो देखे होंगे, जैसे कि वी मार्ट है, उसके बाद है विशाल। तो इन सभी जगहों पे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ज़रिए बिलिंग होती है, जो भी सामान हम खरीदते हैं उनका प्राइजेज उस पर लिखा जाता है, उसके बाद बिलिंग होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, पैसा पेड करते हैं, तो हमें एक रसीद दिया जाता है, तो वो कंप्यूटर के ज़रिए ही हमें मिलता है। उसके बाद हो जाएगा आपको एट रेलवे स्टेशन, एट RAIL रेलवे STATION स्टेशन। उसके बाद है इन स्कूल, इन SCHOOL स्कूल। उसके बाद है इन होटल, इन HOTELS होटल्स एंड रिजॉर्ट। ठीक है ना, इन होटल एंड रिजॉर्ट। एट होम घर पे भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इन शॉप दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बिलिंग वगैरह के लिए, है ना। उसके बाद इन मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स में भी कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, कंप्यूटर के ज़रिए ही हमें बिल दिया जाता है और हम पैसे पेड करते हैं। उसके बाद एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे मतलब टिकट वगैरह जो काटी जाती है, जो बुकिंग होती है, तो वो किसके ज़रिए होती है, तो कंप्यूटर के ज़रिए होती है। इन स्कूल, स्कूल में हम लर्निंग एंड रीडिंग मतलब जो भी पढ़ाई करने का तरीका होता है और हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो कंप्यूटर के ज़रिए होता है ना, क्योंकि एक आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो यहाँ पे तो कंप्यूटर की बुक होती है और कंप्यूटर भी होता है, तो कंप्यूटर पे हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना सीखते हैं, तो इस तरह से कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में भी होता है। उसके बाद है इन होटल्स एंड रिजॉर्ट, रिजॉर्ट और होटल जहाँ पे लोग ठहरते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बाहर कहीं जा रहे हों घूमने फिरने के लिए, तो होटल वगैरह में हम जब रुकते हैं तो वहाँ पे भी जो क्या बोलते हैं जितनी भी डिटेल्स होती है लोगों की, तो कंप्यूटर पे डाली जाती है, उनका नेम वगैरह, कहाँ से आए हैं, कितने दिन रहेंगे, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे नोट किया जाता है, क्योंकि हम उसको कॉपी पे नहीं लिख सकते हैं, नोटबुक में नोट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, कंप्यूटर पे लिखकर हम किसी भी लोगों की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं कि वो कब तक रहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं नोट करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है किस पे, तो कंप्यूटर पे। उसके बाद है नेक्स्ट, और भी जगह है जिसको मैं लिखूँगी, लेकिन एक बार फिर से कर दूँ, समझा दूँ कि मतलब राइट फाइव प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, एट होम, इन शॉप, इन मॉल्स, एट रेलवे स्टेशन, इन स्कूल्स, इन होटल्स एंड रिजॉर्ट। अब नेक्स्ट है प्लेस, प्लेस नेम वो भी देख लीजिए आप लोग, आपको बस ये देखना है कि आपने कौन कौन से नेम लिखे हैं, बस उसका स्पेलिंग आपको चेक करना है, ठीक है ना, तो आप अपने स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है नंबर सिक्स, इन ऑफिस, इन OFFICE ऑफिस, इन ऑफिसेज,
ठीक है ना। इसके बाद इन आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी एस रेस्टोरेंट्स टेन इन सॉरी एट एयरपोर्ट एट ए आई आर टी ओ आर टी एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से प्लेसेस के नेम हो गए जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इन ऑफिसेस बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं दफ्तर होते हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है ना। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो इन सभी जगहों पे इंफॉर्मेशन ही स्टोर किया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन बैंक्स में हम जब जाते हैं, जैसे कि बैंक होता है ना, तो वहाँ पर हम डिपॉजिट और क्या बोलते हैं विड्रॉ करते हैं मनी को, तो कंप्यूटर के ज़रिए ही किया जाता है। इन रेस्टोरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे कि खाने पीने के लिए जब जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो खाने पीने के बाद जो बिल आता है हमारे पास, ठीक है ना, जो खाने का जो कीमत होता है तो वो कंप्यूटर पे डाला जाता है और उसके बाद बिल दिया जाता है और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं पैसे पेड करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट एट एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे भी हवाई अड्डे पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी टिकट वगैरह बुकिंग होती है, ठीक है ना, टिकट लिया जाता है, तो वो सब काम कंप्यूटर के ज़रिए होता है। तो ये प्लेसेस थे 10 places। आपको एनी 5 ही लिखना था, आपको सिर्फ मैच करना है कि आपने कौन से प्लेसेस का नाम लिखा है, सिर्फ आपको स्पेलिंग चेक कर लेना है, ठीक है ना, आपको इरेज करके उस स्पेलिंग को सुधार लेना है। जिसने जो प्लेसेस का नेम लिखा होगा उसी प्लेसेस का नेम रहने दीजिएगा। हाँ, बस ये चेक करना है कि आपने स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैंने 10 वर्ड लिखाया है, आप सभी को 5 ही वर्ड लिखना था, ओके। अब लास्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका जंबल वर्ड था, वो आपका प्लेसेस था, प्लेसेस नेम था, आपको रीअरेंज करना था लेटर्स को, ठीक है ना। तो वो आप रीअरेंज करके आपने क्या लिखा है मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ 1 by 1 करके, आप क्या करेंगे उस प्लेसेस का नेम मैच कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन था जंबल वर्ड, ठीक है ना। सिर्फ मैं जंबल वर्ड को रीअरेंज करके बता देती हूँ, आपने आपको बता देती हूँ और आप क्या करेंगे मैच कर लेंगे अपनी बुक से, ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो था होम, HOME होम पहला प्लेस था। उसके बाद दूसरा था शॉप, SHOP शॉप। थर्ड में स्कूल, SCHOOL स्कूल। उसके बाद है बैंक, BANKS बैंक्स। 5 ऑफिस, OFFICE ऑफिस। 6 में होटल था, HOTELS होटल्स। 7 में रेस्टोरेंट, RESTAURANTS रेस्टोरेंट्स। 8 में एयरपोर्ट, AIRPORT एयरपोर्ट। 9 में MALLS मॉल्स। 10 में था रिजॉर्ट, RESORTS रिजॉर्ट। तो इन 10 प्लेसेस को रीअरेंज करना था, 10 प्लेसेस नेम थे जो जंबल वर्ड में थे, आपको रीअरेंज करना था। तो सबसे पहले होम था, उसके बाद शॉप, उसके बाद रीअरेंज करने के बाद पता चला 3rd नंबर में स्कूल था, उसके बाद नेक्स्ट 4 और बैंक था, 5 ऑफिस, 6 नंबर पे होटल्स होगा, 7 पे रेस्टोरेंट होगा, 8 में होगा एयरपोर्ट, 9 में मॉल्स एंड 10 लास्ट रिजॉर्ट। तो इन 10 प्लेसेस का नेम को आपको रीअरेंज करना था, ठीक है ना। इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आप को करना है इस
चैप्टर से जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको क्या करना है, आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है ना? ठीक है ना, तो ये आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो मैं आपका, मतलब जो चैप्टर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। आपका ये तीनों जो क्वेश्चन है आज तो सॉल्व हो चुका है। अब जो होमवर्क आपका रहेगा वो रिमेम्बरिंग का रहेगा, तो रिमेम्बर फ्रॉम नोटबुक, ये तीनों एक्टिविटी है। होमवर्क में आपका क्या रहेगा, रिमेम्बर फ्रॉम नोटबुक, ठीक है ना, आपको याद करना है। और फिर से मैं इस बात को समझा दूँ कि आपको याद करने के बाद आपको सुनाने का भी काम करना है, ठीक है ना। और जैसे आप जो भी आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें आप सुनाइएगा, चाहे आपके पापा हैं, चाहे मम्मी हैं, चाहे भैया दीदी, जो भी हैं, आपको उनको याद करके सुनाने का काम भी करना है, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेम्बर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक से आपको याद करना है और उसे सुनाना है। जितने भी एक्टिविटीज़ आपको कराई गई है सभी को आप रिमेम्बर कीजिएगा और सुनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो आज का गुड मैनर टिप है, शेयर योर बिलोंगिंग्स। आपसे जो भी बिलोंग करते हैं, मतलब आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपके भाई बहन है ना, तो आपके पास जो भी चीज़ है, आपके पापा आपकी मम्मी आपको जो भी चीज़ देती हैं, आप एक दूसरे से शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। आपस में एक दूसरे को बांट के खाना पीना खाना चाहिए, है ना। अगर खिलौना है तो टॉयज है तो हमें खेलना भी शेयर करके चाहिए, है ना। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने पीने का काम करना चाहिए, है ना। खेलना चाहिए, पढ़ाई भी एक दूसरे से शेयर करके करना चाहिए, है ना। आपस में, मतलब हम अगर याद कर रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। और दूसरा, सामने वाला आपके छोटे भाई बहन है, अगर उन्हें याद हो गया है तो जो भी काम है हमें आपस में बांट कर करना चाहिए। तो हर एक काम को हमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। तो क्या है, शेयर योर बिलोंगिंग्स। तो आज का गुड मैनर टिप ये यही है, शेयर योर बिलोंगिंग्स। आप सभी इन सभी गुड मैनर्स टिप को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी हैं उन्हें इन गुड मैनर टिप्स को बताया भी कीजिए, ठीक है ना। फॉलो कीजिए और तब बताइए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। पहले आप फॉलो कीजिए, उसके बाद दूसरों को बताया कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय।